आज हम बनाएंगे दो बॉईल किए हुए आलू का बहुत ही स्वादिष्ट यम्मी एकदम चटपटा नाश्ता। इसे बनाने के लिए दो आलू को बॉईल करके इसको कद्दूकस कर लेंगे। इसमें एक चम्मच डालेंगे लहसुन, चिली फ्लेक्स एक चम्मच, आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर। बहुत कम मसालों में ये बनके तैयार होता है। इसमें डालेंगे ओरिगेनो एक चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, दो बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और बस इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिलाना है तब तक जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए, तब तक हमें मिला लेना है। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इससे भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, बहुत ही यम्मी है, बच्चों का तो पूरा फेवरेट है। तो इसके बाद हम सलाई बनाएंगे, तो उसमें दो चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, एक चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। इसके बाद आधा छोटा चम्मच नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे चुटकी भर ओरिगैनो, एक चम्मच धनिया और अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े पानी डालना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार करना है। स्लरी ध्यान रहे ना ही ज़्यादा बहुत पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बहुत गाढ़ा होना चाहिए। स्लरी का कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पे हमारा आलू जो है अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे। देखिए स्नैक्स आप अपने हिसाब से कैसा भी बना सकते हैं, आप इसको रोल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे चपटा बना सकते हैं, आप मनपसंद का सेब दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ना हमें लंबा लंबा करना है रोल। तो रोल बनाने से पहले हमें यहाँ पे स्टफिंग करना है चीज़ का। चीज़ जो है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस तरीके से चीज़ डालने के बाद हमें रोल बना लेना है। और हाँ, जैसा कि मैं बोली थी कि आप अपने हिसाब से इसको किसी तरीके से शेप दे सकते हैं, तो आज हम रोल बना रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही चीज़ी फ्लेवर आता है, खाने में बहुत ही यमी लगता है। 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। स्लरी में डिप करेंगे एक एक नाश्ते को और उसके बाद हमें फ्राई करना है। सबसे पहले ध्यान रहे कि जब हम अगर फ्राई करते हैं तो तेल का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ही गैस को आप हाई रखें ना ही एकदम लो रखें। नॉर्मल रखेंगे तो जो हमारा स्नैक्स है वो बहुत ही अच्छे से अंदर से फ्राई होंगे और खाने में बहुत ही कुरकुरा लगेंगे, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। गैस में याद दिला दूं, अगर आपको मेरी जरा भी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। 2 मिनट के लिए एक साइड से हमें फ्राई कर लेना है, उसके बाद इसका साइड चेंज करके और दोनों तरफ अच्छा सा कलर आ जाए इस तरीके से, तब तक हमें फ्राई करना है। बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है और इस ऊपर से कलर भी बहुत एकदम परफेक्ट आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको एक बर्तन में निकालेंगे और इसे हम मैगनीज केचप मनपसंद चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। तो आज हम इसे मैगनीज के साथ सर्व किए हैं। बिलीव करिएगा बहुत ही यम्मी है और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है कि आप एक बार बना लेंगे ना तो बच्चे बड़े भी बहुत खाएंगे और बच्चे तो बार बार बनवाएंगे आपसे। बहुत ही यम्मी है, कुरकुरा है, स्वादिष्ट है। गैस मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एकदम परफेक्ट स्नैक्स है, ट्राई करना तो बनता है, देख के ही पता चल रहा होगा कितने ज़्यादा यम्मी बना है।